कोटा के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के पीएचएमओ और अकाउंटेंट डीओ पिछले 4 सालों से न्यूनतम मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। कोरोना महामारी में दिन रात लगकर बिना जान की परवाह करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आम जनता की सेवा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके स्क्रीनिंग करके होम आइसोलेट करने का कार्य भी कर रहे हैं और साथ ही घर घर सर्वे में सर्वे का कार्य भी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस महंगाई के दौर में 8,000 से 9,000 के अल्प वेतन में परिवार का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो हमारा वेतन समान कार्य समान वेतन किया जाए और जल्द से जल्द नियमित करने का कार्य पूर्ण किया जाए। इसी को लेकर 3 दिन तक काली पट्टी बांध कर काम करने का फैसला लिया है। 2018 से हम लोगों की वैकेंसी हटी पड़ी है। हम सबका वेरिफिकेशन भी हो गया है लेकिन अभी तक कुछ सरकार का तो ध्यान नहीं गया और हम लोग सभी सहयोग कर रहे हैं बराबर आकर के कोविड-19 में भी और सरकार के साथ कंधे से कंधा लड़ा करके साथ खड़े हैं। तो हमारा यही बन रहा है कि आप सरकार हमारी मदद करें और हम भी आपके साथ खड़े हैं। बहुत ही अल्प वेतन में काम कर रहे हैं कि जिसको हमें बताने में भी शर्म आती है, अतः हमारा जीवन यापन चलाना भी बहुत मुश्किल है। सरकार से हमें निवेदन है कि हमारा जो वेतन है वह सम्मानजनक किया जाए ताकि हम अपना जीवन यापन अच्छे से चला सकें।